आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, ये किस तरीके से होती है। नॉर्मल डिलीवरी को जानने के लिए पहले हमारा जो 37 हफ्ते माने गए हैं डिलीवरी के, उसे फुल टर्म डिलीवरी का समय माना गया है। पर आपको जब 37 हफ्ते से पहले ही बेबी हो जाता है तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, प्री मैच्योर बेबी का होना कहते हैं। जब आपके 37 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जैसे आपको डॉक्टर डेट देते हैं, उसमें यदि डॉक्टर ने 20 मार्च की डेट दी है तो हो सकता है आपको 20 मार्च तक बेबी हो, या आपको 5 मार्च से लेके 20 मार्च तक बेबी कभी भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस बनती है जिसमें बेबी 5 से 10% केसेस में जो डेट डॉक्टर देते हैं वो डेट भी निकल जाती है और उनको कोई लेबर पेंस नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको उनके तरीके से ट्रीटमेंट करके आपका बेबी डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट कैसे होती है, पेन स्टार्ट कैसे होते हैं। तो मैक्सिमम अधिकतर महिलाओं में जो दर्द के साथ ही है पेन स्टार्ट होते हैं। महिलाओं का पेट दर्द करने लगता है और कभी कभी ये पेट दर्द के साथ हमारा जो यूट्रस है वो बहुत कड़क हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है और दर्द आने शुरू हो जाते हैं। और ये दर्द हमारे पेट के निचले हिस्से में होते हैं, साथ ही साथ हमें हमारी कमर में भी दर्द होता है और कभी कभी हमारे पैर तक भी दर्द पहुंच जाता है। और इस प्रकार से हमें नॉर्मल डिलीवरी के दर्द आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रू लेबर पेंस है या फाल्स लेबर पेंस है। जो फाल्स लेबर पेंस होते हैं उसमें हमें जो दर्द आता है वो कुछ देर के लिए ही आता है, और जब हम हमारी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या हमारे सोने का तरीका बदल देते हैं तो उस दौरान वो दर्द कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके का दर्द यदि आपको हो रहा है जो कि कुछ सेकेंड्स के लिए आया और फिर वो गायब हो गया और उसके बाद आपको दर्द नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फाल्स पेंस है। अब बात करते हैं ट्रू लेबर पेंस की। ट्रू लेबर पेंस कैसे होते हैं, इसमें आपका यूट्रस कॉन्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होता है। आपका यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन स्टार्ट होते हैं आपको दर्द होना स्टार्ट होता है, और ये जो स्टार्टिंग में जो पेन का लेवल होता है वो 20 से 25 मिनट में आता है। आपको इतना असहज महसूस होता है कि आप न सो पाते हैं न ठीक से चल पाते हैं, और ये जो दर्द है वो पेन किलर से भी नहीं जाता है। यदि इस तरीके का आपको दर्द हो रहा है, ये जो दर्द है वो आपके पेट के निचले हिस्से से कमर तक जा रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपको लेबर पेंस स्टार्ट हो गए हैं। ये जो हमारे दर्द होते हैं वो शुरू में 20 से 25 मिनट के अंदर आते हैं और फिर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये जो 20 से 25 मिनट में दर्द आ रहे थे, धीरे धीरे करके वो 15 से 20 मिनट में आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो 10 से 15 मिनट के अंदर आने लगते हैं, और उसके बाद कभी कभी 5 मिनट में दर्द आने लगते हैं। इस प्रकार जो दर्द की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, आपको जल्दी जल्दी दर्द आने लगते हैं, आपको फिर धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर 2 से 3 बार दर्द आने लगते हैं, वो ब्लिश लेवल होता है डिलीवरी का। दूसरा जो पॉइंट है वो पानी की थैली का लीक हो जाना, जो आपका वाटर बैग होता है वो लीक हो जाता है और आपको कंटिन्यूअसली यूरिन जैसा पानी निकलने लगता है, जिसको आप रोक भी नहीं सकती है क्योंकि ये आपके वाटर बैग फटने से जो पानी निकल रहा है वो है, यूरिन नहीं है जिसे आप रोक सकें। आपका वाटर बैग लीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वाटर बैग लीक हो जाता है पर पेन नहीं आते, दर्द नहीं आते, उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वैसे तो आपको दर्द के साथ ही वाटर बैग लीक हो रहा है तब भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और आपको दर्द आए ही नहीं और आपका वाटर बैग लीक हो गया तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको एडमिट कर लेते हैं और आपका जो जरूरी है, एसेंशियल है, आपका शुगर बीपी टेस्ट वो करते हैं, आपकी पल्स चेक करते हैं, और वो चेक करने के बाद डॉक्टर आपको आईवी ड्रिप लगाते हैं जिसमें आपकी जो कॉन्ट्रिक्शन है उनको बढ़ाया जाता है, उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चादानी का मुंह नहीं खुलता है, तो आपकी बच्चादानी का मुंह खुले
उसके लिए वो इंजेक्शंस डालते हैं, और जो एक्सेसिव पेन हो रहा है उसको कम करने के इंजेक्शंस उस आईवी ड्रिप में वो डालते हैं। उसके बाद आपको एनीमा लगाया जाता है जिसके द्वारा आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको क्लियर किया जाता है। आपको स्टूल पास कराया जाता है ताकि आपका पेट पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आपका बच्चे का जो हेड है वो नीचे आ सके। बच्चा जैसे ही आपका स्टूल पास हो जाएंगे, आपकी इंटेस्टाइन क्लियर हो जाएगी, तो बच्चे का हेड फिक्स होने में मदद होगी और बच्चे के बाहर आने में मदद होगी। तो डॉक्टर ये बेसिक चीजें करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीजें चेक करने के बाद डॉक्टर ब्लड का अरेंजमेंट भी करते हैं, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस दौरान आपको एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है। अब एनीमा लगाने के बाद, शुगर बीपी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करते हैं। आपके वेजाइना में डॉक्टर इंटरनल चेकअप करते हैं और ये देखते हैं कि आपकी बच्चादानी का मुंह खुला है या नहीं, और ये खुला है तो कितना खुला है। ये जो दर्द होते हैं, पहली बार यदि आपको डिलीवरी हो रही है, पहली बार बच्चा हो रहा है, तो ये जो दर्द होते हैं कई घंटों तक होते हैं, जो स्टार्टिंग में 10 से 14 घंटे तक भी होते हैं, और कभी कभी ये दर्द 14 से 18 घंटे तक का भी होता है। यदि आपकी सारी कंडीशंस नॉर्मल है और आप में वो दर्द सहन करने की क्षमता है, तो डॉक्टर 18 घंटे तक भी वेट करते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, यदि आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हैं। अब बात आती है जब आपके बच्चादानी का मुंह खुलने लगता है, तो अब इस दौरान डॉक्टर आपका हर 2 घंटे में इंटरनल चेकअप करते हैं और देखते हैं कि आपके सर्विक्स का कितना मुंह खुला है, आपकी बच्चादानी का कितना मुंह खुला है। और जब ये मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तब डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलते हैं और ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए कहते हैं, और इस दौरान कई महिलाओं को स्टूल पास भी हो जाता है, और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपको ऐसे प्रेशर लगाना है जैसे कि आप फ्रेश हो रहे हो। तो महिलाओं को समझ पाना आसान होता है और वो इजीली ताकत लगा पाती हैं। जब आपके 10 सेंटीमीटर बच्चादानी का मुंह खुल जाता है, तो आपके बेबी का हेड वजाइना में सामने आ जाता है। और यदि आपको ये पहली बार डिलीवरी हो रही है, तो डॉक्टर आपकी एपी करते हैं, उस वजाइना के उस पार्ट पे एपिसियोटोमी करते हैं, और इसके लिए वो लोकल एनेस्थेसिया लगाते हैं, और उसके बाद एक शार्प कट देते हैं आपकी वजाइना पे, जिससे आपके बच्चे का हेड इजिली आ सके। और आप जब प्रेशर लगाती हैं, तो ये जो 10 से 14 घंटे का समय होता है, उसमें जो बच्चे का सिर जो होता है उसको आने में ही समय लगता है। जब वो सिर आ जाता है, तो उसके बाद गर्दन, उसके शोल्डर और पूरी बॉडी कुछ फ्यू सेकंड्स में ही आ जाती है। उसका सर जब निकलता है, तो उस टाइम महिला को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और वो जो दर्द का लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही बच्चा निकल जाता है, आपको एकदम रिलैक्स लगने लगता है, एकदम आप फ्री महसूस करने लगती है, और उस टाइम का जो लम्हा होता है, जो बहुत ज्यादा दर्द से भरा होता है और बहुत ज्यादा सुखद अनुभव से भरा होता है, वो लम्हा बहुत खूबसूरत होता है जब आपका बच्चा इस दुनिया में आता है। और इस दौरान जो आपने 10 से 14 घंटे या 14 से 18 घंटे का जो दर्द का सफर तय किया था, उसकी जो थकान थी वो मुस्कान में बदल जाती है। वो लम्हा आपके बच्चे का और आपका होता है। जब आप पहली बार अपने बच्चे को देखती हैं, तो आप सारे दर्द भूल जाती हैं। अब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, और आपके बच्चे को अब डॉक्टर पूरा चेकअप करते हैं, उसके मुंह में क्लियर किया जाता है, उसकी नोज को क्लियर किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है, जब वो पहली बार सांस ले रहा होता है, उससे पहले वो जो 9 महीने की उसकी यात्रा थी, जितनी आपके लिए कठिन थी, उतने ही आपके बच्चे के लिए भी कठिन थी। वो ये सारा खाना, सांस लेना, वो आपके थ्रू ही करता था, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही करता था। पर अब वो दुनिया में आ गया है, तो उसने वो जो समय है, उस टाइम उसने वो पहली सांस ली है, जब वो आपके शरीर से बाहर निकला है, और आप
इस तरीके से एक नए जीव को जन्म देती है। वो लम्हा आपके लिए बहुत खूबसूरत होता है। अब डॉक्टर सारा चेकअप करते हैं बच्चे का, बच्चे की नोज क्लियर करते हैं, बच्चे का मुंह क्लियर करते हैं, और बच्चा ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं ये एग्जामिन करते हैं, और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रख दिया जाता है। इस दौरान अब आपका जो प्लेसेंटा है उसे क्लियर किया जाता है आपके पेट से। इस दौरान कोई भी यदि आपके पेट पर हाथ फेरता है तो जो कॉन्ट्रिक्शन होता है उसकी रेट बढ़ जाती है और प्लेसेंटा इजिली आपके पेट से निकल जाता है। जब बच्चा हो जाता है उसके बाद भी हमारे शरीर में दर्द बना रहता है क्योंकि वो प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है। जब वो प्लेसेंटा बाहर चले जाता है तो आपका दर्द लगभग खत्म हो जाता है। और अब डॉक्टर जो आपको एपिसियोटोमी की थी डॉक्टर ने उसको स्टिचेस के थ्रू पैक कर दिया जाता है, और फिर आपकी सारी क्लीनिंग कर दी जाती है। और थोड़ी ही देर में आपको जब आप रिलैक्स फील करती है आपको उस पोजीशन से हटाकर बाहर के रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इस दौरान जब आप रिलैक्स फील करने लगती है तो डॉक्टर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए कहते हैं, और स्पेशली जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके आधे घंटे बाद ही डॉक्टर लोग ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कहते हैं क्योंकि ये समय बहुत ही अच्छा होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। और आपको डॉक्टर रिलैक्स करने के लिए कहते हैं, और इसके दौरान आप कुछ भी खा सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप खा सकती है। जैसे हमारी मम्मी दादी जब बच्चा आता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और फिर आपके लिए हलवा बना कर लाते हैं या जो कुछ भी वो आपके लिए बना कर ला सकते हैं वो लाते हैं, और आप वो खा सकती हैं और आप फ्रेश फील कर सकती हैं क्योंकि जो आपने दर्द भरी यात्रा तय की है उसमें बहुत ज्यादा थक गई है। तो अब आपको जो अच्छा लगे वो खा सकती है और रिलैक्स कर सकती है। अब डॉक्टर आपको आपकी मेडिसिन देते हैं और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, और आपको यूरिन पास करने के लिए भी डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि ब्लेडर भरा होता है बाथरूम से तो उस दौरान ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको 2 घंटे के बाद यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं, और वो एग्जामिन करते हैं कि आपको इजीली यूरिन पास हो पा रहा है या नहीं। इसी दौरान डॉक्टर आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए दवाइयाँ भी देते हैं क्योंकि आपको स्टिचेस लगे होते हैं और वो टूटे ना, इसके लिए यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी और आपके टाके जो है वो टूट सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो इसकी दवाइयाँ भी देते हैं। और साथ ही डॉक्टर आपको उस जगह पर पट्टी करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए दवाइयाँ देते हैं और आपको सारी बातें समझा देते हैं। आप विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान आप डॉक्टर से पूरी इन्फॉर्मेशन ले, जो भी आपको डाउट है वो सारे पूछे, उसके बाद ही आप घर आए। आज मैंने इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूरी तरीके से सरलतम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपके इस विषय पर कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें, और मेरे ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप आपके अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।